दोस्तों, कहा जाता है कि कर्म किसी मनुष्य का मोहताज नहीं होता, बल्कि हम मनुष्य कर्मों के मोहताज अवश्य होते हैं, क्योंकि कर्म सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि वो कोई कर्म नहीं करता, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि यह संसार इसी तरह से बनाया गया है, और इस संसार में हर एक मनुष्य अपना कर्म अवश्य करता है, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे कर्म तो करने ही पड़ते हैं, और ये जरूरी भी है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य रोज रोज पूजा पाठ करे, मंदिर जाए, दान दक्षिणा दे, बल्कि जरूरी तो ये है कि वो इंसान कुछ ऐसे कर्म करे कि जहां पर भी वो जाए लोग उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, वो जहां भी जाए वहां मंदिर बन जाए। और जो कोई मनुष्य प्रकृति के हर एक नियमों का पालन करता है, वो परमात्मा के करीब होता है। और यदि परमात्मा भी इस संसार में जन्म लेते हैं, तो उन्हें भी इस संसार के नियमों को पालन करना ही पड़ता है, उन्हें अपने जीवन में कर्मों को करना ही पड़ता है। इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यही इस संसार का नियम है। पर यहां पर कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। यदि कोई अच्छा मनुष्य है, जिसकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, जो लोगों के प्रति दया का भाव रखता है, वह मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करता है। वहीं पर जिस मनुष्य के अंदर द्वेष है, तृष्णा है, लालच है, जो लोगों के प्रति ईर्ष्या रखता है, वह बुरे कर्म करने से पीछे नहीं हटता। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमें प्रकृति की दिशा में ले जाते हैं, और वहीं पर बुरे कर्म मनुष्य के पतन की ओर ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म उसे इसी संसार में भोगने पड़ते हैं। परमात्मा कभी हमें कोई सजा नहीं देते, बल्कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलते हैं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसकी सजा भी आप ही को भोगनी पड़ेगी। आपके जीवन में भी कई बार ऐसी घड़ी आई होगी जब आपने असमंजस में कोई फैसला ले लिया होगा, लेकिन वह फैसला प्रकृति के खिलाफ होगा, और आप जब यह फैसला ले लेते हैं तो आप इससे संतुष्ट नहीं रहते। आपके मन में एक तनाव रहता है, एक डर रहता है कि हमने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत। इसलिए जरूरी ये है कि आप अपने कर्म को समझें, उस पर विचार करें, और फिर उसी के अनुरूप काम करें। इस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। आपका जीवन एक बेहतर दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। जिस सफलता के पीछे हम लगातार भागते रहते हैं, उनके पीछे भी हमारे कर्म ही हैं। यदि हम अच्छे और सही कर्म करेंगे तो हमें सफलता भी निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, सफलता आपके कर्मों में है, बल्कि फल में नहीं, जो आपको खुशी का एहसास दिलाती है, जो आपको ये अनुभव कराती है कि आपने जो कर्म किए हैं वो अच्छे हैं, जिस कारण आप बहुत अच्छा महसूस कर पाते हैं। और यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यदि अपने लक्ष्य में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मों पर तो ध्यान देना ही होगा, अपने कर्मों को समझना होगा, क्योंकि यह सारा खेल कर्मों का ही तो है। जिस प्रकार यदि आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, उसे पाने की कामना रखते हैं, तो उसके प्रति आपको अच्छे कर्म भी करने होंगे। अन्यथा आप ये सोचते हैं कि केवल सोचने मात्र से आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कर्मों के सिद्धांतों के बारे में ही है, और ये सिद्धांत हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं, इन्हीं के बारे में आज की ये छोटी सी कहानी आपको ये सिखाएगी
कि आपके कर्म किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, उन प्रवचन सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ जरूर, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में सभी कार्य करता हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। फिर भला मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। मैं हमेशा अच्छे कर्म करने की तलाश में रहता हूँ। मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ। फिर भला मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे हमेशा दुख क्यों झेलना पड़ता है? जब मैं कुछ बुरा करता ही नहीं हूँ तो फिर भला मेरे ऊपर दोष क्यों मढ़ दिया जाता है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरे कर्म सही हैं या गलत? क्या आप मुझे कर्मों के बारे में स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? क्या आप मुझे कर्मों के उन सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं जिसकी मदद से मैं अपने कर्मों को और सुधार सकूं? मैं यहाँ पर ये जानने आया हूँ कि मेरे इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे दुख क्यों मिलता है? मुझे हमेशा तकलीफें क्यों उठानी पड़ती हैं? और मैंने तो ये भी देखा है कि जो मनुष्य दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या रखता है, वो हमेशा खुश रहता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति की सारी बात उन बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें नहीं मिला? और जैसा कि तुमने कहा, तुमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो बुरे कर्म करते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल बुरा नहीं मिल रहा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही किसी का बुरा किया है, तो ये मैंने अच्छे कर्म ही तो किए हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूं जिनके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। कर्म किस तरह से काम करते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीख सकें, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और हम अपने इस जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जी सकें। क्योंकि आप में से कईयों ने यह सुना होगा कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य है, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने जीवन को उन विचारों से, उन कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना कर्म किए जीवित रह सके, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता ही है और हमारे द्वारा सुबह से लेकर रात तक होने वाले शारीरिक और मानसिक कार्य जो हमारे ऊपर असर डालते हैं, ये सब हमारे कर्म ही हैं। ये कर्म केवल वह नहीं जो हम बाहरी तौर पर करते हैं या फिर बाहरी तौर पर हमें दिखाई पड़ता है, बल्कि हमारे कहे गए शब्द, हमारे विचार, हमारे भाव, ये भी कर्म ही हैं। कोई भी ऐसा कर्म जिसका होने का कारण हम हैं, वह हमारे कर्म ही होते हैं। जैसे हमारा बैठना, उठना, चलना, पीना, खाना, सोचना, विचार करना, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव भी, ये सारे कर्म ही हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है उसका एक रूप है जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं, जो निरंतर चलता रहता है।
और फिर जब हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को इस ब्रह्मांड की ओर छोड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि यह तो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौट कर आती है। और यदि यह ऊर्जा सकारात्मक होगी तो इसका परिणाम आपको सकारात्मक मिलेगा, और वहीं पर यदि यह ऊर्जा नकारात्मक होगी तो इसका परिणाम आपको नकारात्मक ही मिलेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें अब कर्मों के कुछ सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुमने अच्छे कर्म किए या बुरे, और ये कर्म हमारे जीवन में किस तरह से असर डालते हैं, हमारे जीवन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि कर्मों का पहला सिद्धांत ये कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वह हमारे पास अवश्य लौट कर आती है, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि तुमने अच्छी ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर भेजी होगी तो तुम्हारे पास अच्छी ऊर्जा ही लौट कर आएगी। यदि तुमने नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ओर भेजी होगी तो नकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे पास वापस लौटेगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड अच्छे और बुरे का भेद नहीं समझता, अच्छा क्या है बुरा क्या है यह नहीं जानता। अच्छा और बुरा, इसकी पहचान करना तो हमें आता है, इसलिए हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए ताकि आपको अच्छे फल मिल सके। वहीं पर अगर आप बुरे विचार रखते हैं तो उसके होने वाले दुष्परिणामों से भी आपको कोई नहीं बचा सकता, उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का दूसरा सिद्धांत ये कहता है, हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं पहले हमें खुद को उस लायक बनाना होगा। जैसे कि अगर हम दूसरे से ये आशा करते हैं कि वो हमारा सम्मान करे, हमारा आदर करे, तो इसके लिए हमें पहले खुद ही दूसरों का आदर और सम्मान करने आना चाहिए। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि पहले आपको उस काबिल बनना होगा ताकि वह लोग आपका सम्मान कर सकें, आपका आदर कर सकें। जिस प्रकार यदि आप नीम के बीज बोते हैं तो आपको आम का फल कभी नहीं मिल सकता, ठीक उसी प्रकार जो आप बीज बोएंगे आपको फल भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने के बारे में सोचें, अच्छा कर्म करें और अच्छी वाणी बोलें। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जीवन में यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो वह घटना अकस्मात ही हमारे जीवन में नहीं आती, बल्कि यह भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। जिस प्रकार यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति जिस कार्य को करना है उसे करते रहना होगा। जो मेहनत, जो लगन उस लक्ष्य को पाने के लिए करनी है वो आपको करते रहनी होगी, उस संघर्ष का सामना भी आपको करना होगा, तब जाकर आप कहीं उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि हमारा ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और हमें यदि कोई अच्छी चीज प्राप्त करनी है तो हमें संघर्ष तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं तो अपने जीवन में चमत्कार पर भरोसा करना छोड़ दें और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर यकीन करना सीखें। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है, आपको सच को स्वीकार करना आना चाहिए। यदि आप उस सच से भागते रहेंगे तो आप कभी भी उस सच को बदलने की प्रयास नहीं करेंगे और ना ही आप उसे कभी बदल पाएंगे। मान लीजिए कि आपको सुबह देरी से उठने की आदत है और यदि आप इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप कभी भी इसे बदल नहीं सकते। वहीं पर अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे बदलने की मन में ठान लेते हैं तो आप इसे अवश्य ही बदल कर रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में अपने आप से कभी झूठ मत कहिए। आपके जीवन में जो भी कड़वी सच्चाइयां हैं उसे स्वीकार कीजिए, तभी आप उनका सामना कर सकेंगे।
उन्हें बदल सकेंगे। इसलिए हमें सच को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। यदि आगे बढ़ते हुए आपसे कोई गलतियां भी हो जाए तो इसे स्वीकार कीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ही अपने जीवन में हर उस ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं जिनकी वो कामना रखते हैं। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करते रहना ही वह मार्ग है जिससे हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब समय के साथ खुद को बदलने के लिए आप तैयार हों, क्योंकि बदलाव ही इस सृष्टि का नियम है और यह बदलाव किसी और से नहीं बल्कि आपसे शुरू होता है, आपके भीतर से शुरू होता है। यदि आप अन्य लोगों को, बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह करना व्यर्थ होगा, क्योंकि आप अपना समय इस पर नष्ट कर रहे हैं। उसकी जगह पर यदि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने अंदर ध्यान दें, तो आप उसे अवश्य बदल सकते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा और आपकी इस मेहनत में मदद करेगा, तो ऐसा करना व्यर्थ होगा। बल्कि इसके लिए तो आपको ये करना चाहिए कि यदि आपको उस काम के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं है तो पहले आप उसके लिए जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में सीखें, समझें और फिर उस कार्य को शुरू कर दें। यदि आप समय के साथ अपने अंदर बदलाव करते जाएंगे और निरंतर अपने कार्य पर काम करते जाएंगे तो आप अवश्य ही सफलता को हासिल कर सकेंगे। वह बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, आज आपके जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, आप चाहे जहां कहीं भी हो, आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी सफलताएं आपने प्राप्त की हैं, ये सब आप ही के कर्मों का फल है। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने ही अपने भूतकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसका परिणाम या तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है या तो बहुत बुरा। लेकिन हमें इनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते और किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी परिस्थिति को हम इसका दोष मढ़ते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, तो ये करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि यह हमें आने वाली और भी बड़ी मुसीबतों में फंसा सकता है और फिर हम कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम में से अधिकांशतः लोगों की ये आदत होती है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और जब उस कार्य के लिए हमें शाबाशी मिलती है तो हम वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब हमने कोई बुरा कार्य किया होता है तो हम इसका दोष किसी और के सर मढ़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। हमारे इस कार्य से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसका समाधान हमें खुद ही करना चाहिए। वह बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि आज हमारा जो जीवन है इसमें जुड़ा हुआ हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा आज है, और यह सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि यदि आपने अपने अतीत में कोई ऐसी चीज सीखी थी जो आज आपके काम आ रही है, तो हो सकता है कि आप आज भी कुछ ऐसा सीख रहे हों जो आपका आने वाला भविष्य बना सकती है। इसलिए हमें सीखने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपने जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकता है। इसलिए कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सब हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा वर्तमान, अतीत और भविष्य सब एक साथ जुड़े हुए हैं। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि हमें यदि किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें केवल एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि कई सारी चीजों पर। जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं तो हमारे सीखने की गति धीमी हो जाती है और हम फिर किसी भी चीज को सीख नहीं पाते।
जो हमारे जीवन में निराशा और नकारात्मकता का कारण बन जाता है। यदि मान लीजिए कि आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो अध्यापक बनने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान केवल अध्यापिका की पढ़ाई पर लगाना चाहिए, ना कि बहुत सारी अन्य चीज़ों पर। यदि आप पूर्ण रूप से केवल अध्यापिका की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो आप अवश्य ही अध्यापक बन जाएंगे। और यदि आप उस समय पर अन्य सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। ना तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे और ना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, जिस कारण आपके जीवन में केवल निराशा और नकारात्मकता ही बचेगी और फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि जीवन में खुश रहो, अतीत के लिए पछताना बंद कर दो, भविष्य के लिए सोचना बंद कर दो और आज से और अभी से आप अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि अतीत तो बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। और भविष्य की चिंता में रहने से हमारा आज खराब हो जाता है, हम अपने आज पर ध्यान नहीं दे पाते। और यदि आपको अपने भविष्य में कुछ हासिल करना ही है, किसी लक्ष्य को पाना ही है, तो उसके लिए आपको आज ही मेहनत करनी होगी। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। यदि आप आज मेहनत नहीं करते हैं, आज वो चीज़ें नहीं सीखते हैं, तो आप अपने भविष्य में उन चीज़ों तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे जिसकी आप कामना करते हैं, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत करने की सोची है। हमें अपने अतीत में की हुई गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उन्हें लेकर रोते रहना चाहिए। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि हमारा इतिहास तब तक दोहराता रहता है जब तक हम कुछ सीखकर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करने पर अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सीखते रहना आवश्यक है, फिर वो चाहे अपनी गलतियों से ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे किसी और की गलतियों से ही क्यों ना हो, लेकिन सीखना आवश्यक है, अपने जीवन में बदलाव लाना आवश्यक है, अन्य रास्तों की खोज करना आवश्यक है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां पर कई सारे कांटे हैं, और आपके पास जो ज्ञान है वो यही कहता है कि आपको इसी रास्ते से आगे बढ़कर जाना होगा। तो आप जब भी उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, तो आपके पैरों में कांटे तो अवश्य चुभेंगे, जिससे आपको तकलीफ भी होगी और आप उस रास्ते पर चलने से डरेंगे भी, और उसका परिणाम भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर आप यदि अपनी इस गलती से सीख लें, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां पर कांटे ना हो, और वह रास्ता भी आपके लिए सही हो। क्योंकि एक ही गलती बार बार दोहराना आपको कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा, इसलिए अपने रास्तों को बदलकर देखना भी ज़रूरी है। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। उसका आखिरी सिद्धांत ये कहता है, हमारे जीवन में होने वाले बड़े बदलाव, इनके लिए थोड़ा समय लगता है, इसलिए जीवन में बड़ी सफलता लगातार प्रयास करते और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में लंबे समय तक चलने वाले परिणाम चाहते हैं, तो हमें धैर्य रखना भी आवश्यक है। यदि हम जल्दीबाजी में ये सारे कार्य करें, तो आगे चलकर हमें इसके परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाते, और अगर हम धैर्य से कोई सही फैसला लेते हैं, तो उसके परिणाम भी हमें लंबे समय तक और अच्छे मिलते हैं। जिस प्रकार यदि आप किसी आम का पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाने के कुछ दिनों बाद ही वह बड़ा नहीं हो जाता और ना ही उसमें कोई फल मिलते हैं। यदि आपको आम के यानी कि उस फल की प्राप्ति करनी है, तो उस पेड़ को बड़ा होने तक का समय आपको देना पड़ेगा, यानी कि धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। और यदि आपके पास धैर्य नहीं है, तो आप उस पेड़ को नष्ट कर देंगे, जिससे आपको ना तो वो फल मिलेगा और ना ही वो परिणाम। और हम अपने जीवन में भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी वो परिणाम मिल जाए, ताकि हम
अपने लोगों को बता सकें, अपने परिवार के साथ वो खुशियां बांट सकें। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल जीरो होते हैं, और जीरो से एक तक पहुंचने में हमें थोड़ा समय लगता है, और एक से दस तक पहुंचने में हमें थोड़ा और समय लगता है। लेकिन ये जो समय है, ये जो अनुभव है, यही आपको सिखाता है कि आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आने वाले हैं उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, तभी आप जीरो से लेकर के दस तक पहुंचने की क्षमता जुटा पाएंगे। और जब हम अपने अंदर वह धैर्य रखते हैं तो एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।